अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड बुक पेज नंबर 48। ये थी हमारी एक स्टोरी जो कि बहुत ही मजे की स्टोरी थी। हमने इसके बारे में पढ़ा, भेड़िया और मेमना। ये हमारी कौन सी स्टोरी है? भेड़िया और मेमना। इसका प्रीवियस पेज हमने पढ़ा था और देखा था, ये स्टोरी बहुत ही मजे की है। इसमें एक भेड़िया है और एक मेमना है। मेमना कहते हैं भेड़ के छोटे से बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ देखें, इसके बाद हमने फर्स्ट पेज पर पढ़ा कि एक मेमना था छोटा सा, जिसके सर पर छोटे से सींग निकल आए थे, और जब सींग निकल आए तो उसने अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दिया। लेकिन वो तो एक छोटा बच्चा था ना, लेकिन वो समझने लगा कि मैं तो पूरी भेड़ बन गई हूँ और मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। एक दिन जब भेड़ें जो हैं वो जंगल में चर रही थी, घास खा रही थी, तो शाम हो गई। मेमनी की अम्मी ने उसको पुकार कर कहा कि अब घर लौटने का वक्त हो गया है। लेकिन मेमना जो था उसने सुनी अनसुनी कर दी, मतलब ऐसा शो किया जैसा कि उसने सुना ही नहीं है। जैसे आपकी मम्मा भी आपको आवाज़ देती है ना, तो आप ऐसे ही करते हो, है ना। सब बच्चे ऐसे करते हैं, जब टीचर आवाज़ देती हैं तो भी ऐसे हो जाते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, जैसे उनको उसको सुना ही नहीं है, ठीक है। तो आज हमने पेज नंबर 48 इससे आगे नेक्स्ट स्टार्ट करना है। और वो हरी हरी घास चरता हुआ दूर निकल गया। हम खाना खाते हैं ना, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो घास चरते हैं, ठीक है। खाना खाया जाता है और घास चरते हैं। जानवर जो होते हैं वो घास को खाते नहीं है, क्या करते हैं? चरते हैं। उसके लिए वर्ड चरना यूज होता है। और वो हरी हरी घास चरता हुआ दूर निकल गया। कुछ देर बाद जब उसने वापस आकर देखा तो गल्ला जा चुका था। अब मेमना अकेला रह गया था। सूरज गरूब हो गया और जंगल में अंधेरा छा गया। ठंडी ठंडी हवा पत्तों से टकराकर साए साए करने लगी। अब तो मेमने को बहुत डर लगा। इस जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। भेड़िये का ख्याल करके नन्ना मेमना डर के मारे अपनी अम्मी को पुकारता और छलांगे मारता घर की तरफ दौड़ पड़ा। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि भेड़िये ने उसे आ लिया। हा हा हा, भेड़िये ने कहा, कैसा मोटा ताजा नरम गरम मेमना है, मैं तो इसे खूब मजे लेकर खाऊंगा। यहाँ पर डेट मेंशन कर लें, आज हमें इतना ही पैराग्राफ पढ़ना है। अभी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। और वो हरी हरी घास चरता हुआ दूर निकल गया। कुछ देर बाद जब उसने वापस आकर देखा तो गल्ला जा चुका था। गल्ला कहते हैं भेड़ों के रेवड़ को, मतलब जो सारा उनका पूरा पूरे ग्रुप होता है ना, जो है उसका भेड़ों का, उसको हम गल्ला कहते हैं। अब मेमना अकेला रह गया था। सूरज गरूब हो गया। सूरज गरूब होने का मतलब है शाम होने लगती है ना, जब सूरज गरूब हो जाता है तो रोशनी कम होने लग जाती है। और जंगल में अंधेरा छा गया। ठंडी ठंडी हवा पत्तों से टकराकर साए साए करने लगी। अब तो मेमने को बहुत डर लगा। उसने उस जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। भेड़िये का ख्याल करके नन्ना मेमना डर के मारे अपनी अम्मी को पुकारता और छलांगे मारता हुआ घर की तरफ दौड़ पड़ा। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि भेड़िये ने उसे आ लिया। भेड़िये ने उसे आ लिया मतलब भेड़िये ने उसे पकड़ लिया। हा हा हा, भेड़िये ने कहा, कैसा मोटा ताज़ा नरम गरम मेमना है, मैं तो इसे खूब मज़े लेकर खाऊंगा। मेमना बहुत छोटा सा था ना, क्यूट सा, उसकी जो ऊपर फर थी वो भी सॉफ्ट सॉफ्ट सी थी। तो उसने कहा, कैसा मोटा ताज़ा नरम गरम मेमना है, मैं इसको बहुत खूब मज़े लेकर खाऊंगा। अब देखें, जब पहले उसकी मम्मा ने उसको आवाज़ दी घर जाने के लिए, तो उसने सुनी अनसुनी कर दी। अब उसको पनिशमेंट मिलने लगी है ना कि उसने मम्मा की बात नहीं मानी अपने, चाहे एनिमल्स हों चाहे इंसान हो। तो माँ बाप जो होते हैं वो अपनी औलाद को हमेशा अच्छी बात सिखाते हैं ना। तो उसकी मम्मा को पता था कि अब शाम होने लगी है, क्योंकि वो बड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि अब घर चलते हैं। लेकिन मेमने ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने आप की हिफाजत कर सकता हूँ। तो जब उसने उसकी अनसुनी अनसुनी कर दी और घास खाता हुआ दूर निकल गया, तो जब वो घास खाकर वापस आया तो उसने देखा कि सब भेड़ें जा चुकी हैं। तो वो परेशान हो गया, क्योंकि जंगल में तो अंधेरा हो गया था।
और हवा जो थी चल रही थी वो पत्तों से टकरा कर, जैसे आंधी आती है ये तेज हवा चलती है तो हवा से वो ट्रीज की जब लीव्स आपस में लगते हैं तो फिर आवाजें आती है ना साएं साएं करने की, तो उस तरह से आवाज आने लग गई। अब भेड़िए जो मेमना था वो तो डर गया, क्योंकि उसको उसने सुना हुआ था कि इस जंगल में एक भेड़िया भी रहता है। अब भेड़िया जो होता है वो एक खतरनाक जानवर होता है और वो छोटे छोटे जानवरों को पकड़ के खा जाता है, इवन के वो इंसानों को भी खा जाता है, ठीक है। तो भेड़िया डर गया, उसने सोचा कि अब अगर भेड़िया आ गया तो वो तो मुझे खा जाएगा, तो वो अपनी मम्मा को आवाजें देता हुआ घर की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो अभी थोड़ा सा ही आगे गया था तो भेड़िए ने उसे पकड़ लिया और भेड़िए ने कहा कि कैसा मोटा ताज़ा नरम गरम मेमना है, मैं तो इसे खूब मज़े लेकर खाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा रीडिंग कर लें, पुट योर फिंगर्स हियर। और वो हरी हरी घास चरता हुआ दूर निकल गया। कुछ देर बाद जब उसने वापस आकर देखा तो गल्ला जा चुका था, अब मेमना अकेला रह गया था। सूरज गुरूब हो गया और जंगल में अंधेरा छा गया। ठंडी ठंडी हवा पत्तों से टकरा कर साएं साएं करने लगी। अब तो मेमने को बहुत डर लगा, उस जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। भेड़िए का ख्याल करके नन्ना मेमना डर के मारे अम्मी को पुकारता और छलांगे मारता हुआ घर की तरफ दौड़ पड़ा। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि भेड़िए ने उसे आ लिया। हा हा हा, भेड़िए ने कहा, कैसा मोटा ताज़ा नरम गरम मेमना है, मैं तो इसे खूब मज़े लेकर खाऊंगा। ओके, अब अच्छे से आपने याद करना है और याद करके अपनी मम्मा को सुनाना है। मैं मम्मा से पूछूंगी आपने सुनाया या नहीं सुनाया। ओके, टेक केयर।